तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और सबसे पहले हम बात करेंगे उस कुछ फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग के बारे में। सबसे बात जानते हैं कि वीबीए है क्या। ठीक है, वीबीए बेसिकली मैं बोल रहा था आपको कि वीवीए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, राइट। पहले इस चीज को समझिए कि ये कोई वीवी डॉट नेट की वीवी सिक्स की प्रोग्रामिंग नहीं है, राइट। ये क्या है, ये विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस की प्रोग्रामिंग है, करेक्ट, जो कि एक्सेल के अंदर में, मतलब कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, जो एमएस ऑफिस का है उस पे, उसके अंदर एक नए टूल्स, नए फंक्शंस डेवलप करने का काम वीवीए करता है। तो वीवीए के जरिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हम बनाएंगे माइक्रोज। माइक्रोज क्या होता है, माइक्रोज एक ट्रिगर होता है, समझे, ठीक है। जो काम आप मैनुअल करते हो उसी काम को आपका वीवीए प्रोग्रामिंग इजीली कर देता है, ऑटोमेटेड। जैसे एक मिनट, मैं वो फाइल सेट बंद कर दिया मैंने। जैसे कि यहां पे ये देखिए, राइट। अभी इसमें क्या है कि मैं यहाँ पे एक्सेल का फंक्शन लगा सकता था, लेकिन एक्सेल फंक्शन नहीं लगा रहा हूँ। अब मुझे क्या कह रहा है कि इनको चेक करना है कि ग्रेटर देन 70 है तो यहाँ पे पास, अदरवाइज फेल करना, राइट। ओके ओके, एक्सेल का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट एक्सेल का फॉर्मूला लगाने पे क्या होगा कि डिपेंडेंट होगा, इसको एक्सेल का फॉर्मूला लगा के फिर कॉपी करके फिर वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा, चाहे डिपेंडेंट ना हो। तो इसके लिए हम सिंपल मैक्रो में गए और हमारा ये आपका 4 वाला मैक्रो 3 वाला था, हाँ 3 वाला मैक्रो लिया और इसको रन देखा सर। तो इसके लिए हमने कोडिंग लिखी, हमने एक कोडिंग लिखी इसके लिए, ये रहा एक कोडिंग लिखी हमने। अब इसको हम ट्रिगर बटन से भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इंसर्ट में गए, एक बटन लिया, उसी बटन ड्रॉप करेंगे, मुझसे पूछेगा असाइन मैक्रो और हम मैक्रो 3 इस तरह का ट्रिगर। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल है, एक फोल्डर है, उसमें 100 फाइलें हैं। अब 100 फाइलों का डेटा एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना, तो आप केवल एक फाइल कॉपी करोगे, डेटा कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे, फिर डेटा कॉपी करोगे, फिर ओपन करोगे, फिर पेस्ट करोगे, तो एक काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। बस एक बटन पे ट्रिगर करोगे, एक शॉर्टकट पे ट्रिगर करोगे, या माइक्रो समझा के इस पे ट्रिगर करोगे, आपको 100 फाइल का जो काम है, जो डेटा है, एक समय कर देगा, वो भी कुछ सेकेंड्स, लेस देन मिनट, ठीक है। या तो माइक्रो एक हम कह सकते हैं कि दिस इज द ऑटो पायलट, एक ऑटो पायलट है उसके लिए, उसके इस जो हमारे काम को आसान कर देता है, घंटों काम को सेकंड में कर देता है। उसके बाद आता है फंक्शन। अगला टॉपिक हमारा क्या है, फंक्शन का टॉपिक। अब फंक्शन क्या करता है, इस चीज में जान लीजिए। फंक्शन ये करता है कि हम फॉर्मूला बनाते हैं अपने, जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे फॉर्मूला है, ऐसे फॉर्मूला बनाते क्यों बनाते हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले एक्सेल में है, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि लेंदी है या फिर हमारे रिजल्ट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, हमारे रिजल्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसको हम अपने ढंग से कस्टमाइज कर देते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद तीसरा, अब फंक्शन जो है, और फंक्शन सिर्फ इसकी इसका ही नहीं, मतलब कि फंक्शन का काम सिर्फ एक्सेल के फंक्शन बनाना नहीं है, वीवीए के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोग्रामिंग हम बना रहे हैं,
और प्रोग्रामिंग में अगर 100 फाइलें हैं, 100 मतलब माफ कीजिएगा 100 लाइन का प्रोग्रामिंग है, उसमें एक कैलकुलेशन है, उसको आपको 10 जगह पे करना है। ठीक है, तो यहां पे हम जो है फंक्शन पे क्लिक करते हैं और एक फंक्शन बना देते हैं माइक्रो में, जहां जहां चाहिए वहां वहां हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके क्लियर है, ओके कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं ठीक है अभी तक तो ओके। चलिए अब इसके बाद आता है यूजर फॉर्म। तो तीसरा मॉड्यूल जो है हमारे पास वो है यूजर फॉर्म का। यूजर फॉर्म क्या करता है? इंटरफेस क्रिएट करता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास पॉपअप आ गया ना। इस तरह की पॉपअप आप खुद से बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कि पिवट टेबल है, तो अगर मैं पिवट टेबल में पॉपअप के जरिए नहीं होता तो हमें पिवट टेबल में कितने ऑप्शन होते? पिवट टेबल रेंज विथ न्यू शीट्स, पिवट टेबल रेंज विथ एग्जिस्टिंग शीट्स, पिवट टेबल विथ एक्सटर्नल डेटा न्यू शीट, पिवट टेबल एक्सटर्नल डेटा एग्जिस्टिंग शीट, चार से चार होते। यहाँ पे अलग अलग मैं कमांड होते तो सर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना। तो उन्होंने एक इंटरफेस तैयार कर दिया कि आप जो सिलेक्ट करेंगे ओके बटन के ऊपर प्रोग्रामिंग होगा। जैसे ओके पे क्लिक करूंगा और इसके अंदर सारे फील्ड को चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका पिवट लगा। ठीक है, ओके। तो तीन जो है आपका मेन मॉड्यूल है, मैक्रोस, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कब करें। उठ के कुछ जैसे अभी थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल बताया मैंने, एग्जाम्पल बताया, अब इसमें हम माइक्रो क्यों लगाएंगे? इसमें तो आसानी से इफ का फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला से हो जाएगा क्या? करेक्ट। देखिए माइक्रो हम लगाते हैं दो केसेस में। पहला लेंथी वर्क, लेंथी वर्क मतलब कि ऐसे आपको हजार शीट्स हैं, हर शीट पे जाके आपको ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। करेक्ट। और दिन में आपको 10 बार करना होता है। जैसे करेक्ट, मुझे आप याद होगा शुरुआती दौर में जब अपने डेमो क्लास लिया था आपको मैंने एक मेल किया। करेक्ट। तो ऐसे मुझे दिन भर में 10 लोगों को मेल करना होता है, 15 लोगों को मेल करना होता है, सबको सेम होता है, बस आईडी चेंज हो जाता है कभी कभी। तो हर बार मेल खोलना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एक माइक्रो बना दिया और हमने बस आपकी ईमेल आईडी डाली और सेंड पे क्लिक कर दिया, बाकी सब कुछ लिख ला के जीमेल के जरिए आपको मेल कर दिया। करेक्ट करेक्ट या तो जो रिपीटेड जॉब है, ऐसा काम जो बार बार आ रहा है, हर मैंने कि घंटों में आ रहा है, दिन में आ रहा है, हफ्ता में आ रहा है, इसको करने के लिए आपको 2-3 घंटे का टाइम देना होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे जी। ठीक है, ओके, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है। चलिए आगे बढ़े इसमें। और अगला एग्जांपल है कि दूसरा क्या सिचुएशन होगी, दूसरा सिचुएशन होगी लेंथी वर्क। चलिए एक लेंथी वर्क का आपको एग्जांपल ही दिखा रहे हैं। जैसे मेरे मेरे पास
जैसे कि मेरे पास साइट के लिस्ट है, मैंने इनके साइट को लिस्ट को कॉपी कर लिया ओके और एक एक्सेल शीट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो डेटा आया हुआ है इसमें जो वेबसाइट के नेम है वो करेक्ट नहीं है, कुछ इसमें इनकरेक्ट भी है। क्या इनकरेक्ट है आपको मैं समझाता हूँ। इनकरेक्ट क्या है बताता हूँ, जैसे कि इसमें इस यूआरएल जो है इसका करेक्ट यूआरएल जो है वो इसके हाइपरलिंक में लगा है, राइट सर। जैसे कि यहाँ देखिए इंडिया लिस्ट, अब इंडिया लिस्ट क्या है, .co.in.com.us बहुत सारी चीजें है सर, लेकिन कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे इंडिया लिस्ट .com दिखेगा। मतलब कि मुझे इसका किसी वेबसाइट पे या किसी आर्टिकल पे मुझे इसको डालना है तो मुझे राइट क्लिक करना है और हमें करना है एडिट हाइपरलिंक और फिर इसकी हाइपरलिंक को कॉपी करना है और फिर यहाँ पेज करना है, क्योंकि हाइपरलिंक में से एड्रेस को कॉपी करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कमांड नहीं है, करेक्ट करना पड़ेगा। ये तो चलो मेरे पास 50 है तो आई थिंक 50 है तो एक को करने में मुश्किल से 10 सेकेंड या 15 सेकेंड लगा, तो 50 के हिसाब से हमने लगा लिया कि हाँ 5-7 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 5-7 लाख हुए तो करेक्ट तो काफी टाइम लग जाएगा ना सर, कई दिन लग जाएंगे ना। जी करेक्ट। इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल सा एक फंक्शन बना दिया। देखिए कैसे बनाया, दिया URL और यहाँ पे देता हूँ n as a range। अभी फंक्शन क्या है कैसे है मैं बाद में समझाएंगे, हम आपको बस इसकी यूटिलिटी समझा रहे हैं कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। URL equal to n dot hyperlink, हमने वन दे दिया dot address, अब यहाँ पे हम देते हैं URL इक्वल, URL functions book one, जैसे माफ कीजिए book three में इसलिए इसको कॉल नहीं कर पा रहा ओके बुक थ्री में भी कॉल करेगा लेकिन उसका तरीका अलग है। सर जी तो सोचिए 5-7 लाख है फिर भी इतना ही टाइम लेगा ना सर, तो हम एक्सेल का काम जो है VBA का यूज जो है हम दो तरीके से करते हैं। पहला हम पहला करते हैं कि लेंदी जॉब और दूसरा होता है रिपीटेड जॉब, ठीक है करेक्ट। अब बात होती है किसके लिए करें, एक चीज ध्यान रखिएगा कि VBA को यूज करने से पहले हम आपको डेटा में जाना, इसमें डेवलपर टैब में जाके माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना, ठीक है। अगर माइक्रो सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इससे क्या होता है कि जैसे आपने किसी को फाइल भेजा अगर उसने माइक्रो सिक्योरिटी को डिसेबल कर रखा है तो क्या होगा, मैक्रो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, ओपन करते ही बोलेगा सिक्योरिटी वार्निंग, करेक्ट। क्या बोलेगा, सिक्योरिटी वार्निंग, सिक्योरिटी वार्निंग। ठीक है ओके okay. अब मान लीजिए कि आपने एक ऐसा फाइल बनाया जिसको आपको 100 लोगों को भेजना है, अगर आपने वो फाइल को 100 लोगों को भेज दिया तो क्या होगा, कि उसमें से 30-40 लोग ऐसे होंगे जो कि माइक्रो को नहीं जानते होंगे, करेक्ट हो सकता है। फाइल खोले, जैसे ही फाइल खोलेंगे उनको सिक्योरिटी वार्निंग दिखेगा
और बोलेंगे यार इस फाइल को बैलेंस से क्लोज कर, वो फाइल को क्लोज कर। समझ गए? करेक्ट। तो अब आपको उनको फोन करके बताना पड़ेगा कि भाई इसको माइक्रो हैच पे अनेबल कर दो। तो ऐसी सिरदर्दी क्यों पालना? आप ऐसी फाइल जो कि अननोन बहुत सारे लोगों को शेयर हो रही है उसमें माइक्रो अवॉइड कर दीजिए जब तक कि बेहद जरूरी ना हो कि भाई माइक्रो बगैर तो हो ही नहीं सकता, माइक्रो तो डालना ही पड़ेगा, तो माइक्रो डालें। समझ गए? अपने लिए कर रहे हैं तो जितना मर्जी उतना यूज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए। ओके ठीक है जी। ओके अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द स्टार्टिंग मैक्रो। कि जब भी कोई मैक्रो आप स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहला होगा कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए जो कि डिफॉल्ट नहीं होता है। तो उसके लिए आप फाइल मेनू बार में जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और यहां आपके सामने क्विक कस्टमाइज रिबन में डेवलपर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? करेक्ट जी। दूसरा, डेवलपर टैब जब आ जाएगा तब माइक्रो सिक्योरिटी को आप यहां से अनेबल कर देंगे। राइट सर? ओके। उसके बाद आप फाइल मेनू बार में जाएंगे और जो फाइल है आपका उस फाइल को सेव करेंगे माइक्रो अनेबल वर्कबुक में, क्योंकि आपके डिफॉल्ट सेव जो होता है एक्सेल वर्कबुक में होता है। आपने प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया, फाइल सेव करते समय आपने ध्यान नहीं रखा, एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया, आपके सारे माइक्रो लॉस्ट। तो करेक्ट, शुरुआत में आप फाइल को सेव कर लो माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ताकि बाद में भूलने का डर ना हो जी। दूसरा ये हो गया। दूसरा ये कि प्रॉब्लम है कि मुझे बार बार सिलेक्ट करना पड़ता है, मैं कभी भूल जाता हूं, तो आप एक्सेल ऑप्शन में जाएं और यहां सेव, सेव में आपके पास होता है डिफॉल्ट फाइल सेव टाइम, क्योंकि नॉर्मल एक्सेल फाइल अगर .xlsm में सेव होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके ठीक है, नोटेड। या चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। तो जैसे कि देखिए, मैं जब शुरुआत में सीखना शुरू किया था तो हर स्टूडेंट को रिकमेंड हमने पढ़ा था और उसके बाद मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ एक वेबसाइट को पढ़ने। ये मेरा वेबसाइट नहीं है लेकिन मैंने शुरुआत में पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, कौन सा वेबसाइट है? excel-vva.com, याद रहेगा excel-vva.com। नोट कर लिया मैंने सर। इसके अंदर तीन सेक्शन है, उनके चैप्टर्स है, इसमें बेसिक माइक्रो के बारे में बड़े आसानी से फिगर आउट करके बताया गया। ओके, इसको जितना हो सके उतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, ये जरूर कर लीजिएगा। दूसरा, अब आपका कोर्स चल रहा है तो कोर्स में क्या कैसे होगा, तो इसका आपका जो सिलेबस आपने जो डाउनलोड किया होगा पीडीएफ फॉर्म में, हम उसी सिलेबस को फॉलो करें, तभी आपका चलेगा बेसिक मैक्रो प्रोग्रामिंग, फिर चलेगा अप्लाई कंडीशंस, लूप्स। समझ गए? ये तो आपने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे। हाँ, तो यही सेम होगा। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वीवीए लैंग्वेज के बारे में। हाँ जी, हाँ। बात करेंगे टाइप ऑफ वीवीए माइक्रोज, फिर रिकॉर्डिंग माइक्रोज को करना, फिर उसको कैसे एडिट करते हैं और एल्गोरिथम, इससे फॉलो करेंगे। तभी हमने पहला चैप्टर की बात करी कि कंसेप्ट ऑफ वीवीए माइक्रो। जी सर, समझ गए जी। चलिए, तो इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राइट, ओके।
और क्लास की टाइमिंग की बात रही तो जनरली क्लास की टाइमिंग आपको 40 मिनट के आसपास रहेगी, ठीक है। लेकिन में क्या है कि आपको पढ़ना है, थ्योरिकल पार्ट थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी आपको होमवर्क दी जाएगी, तो शुरुआत में हम स्लोली लेके चलते हैं, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मोर देन वो सब 40+ होते हैं, या फिर उनको कॉलेज छोड़े 5-7 साल से ऊपर होता करेक्ट। है, पढ़ने की हैबिट नहीं होती है सर, एक ही दिन हाँ में सर, हैबिट छूट जाती है। घंटे दो घंटा पढ़ा दूं तो फिर वो क्लास में सोने लगते हैं, नहीं तो सिर्फ करने लगते। करेक्ट। तो इसलिए आप उतना चाहते हैं जितना आप सिंसियरली हो कि आप जॉब करो, क्योंकि तो मेरे पास टाइम की बाउंडेशन नहीं है। मैंने बोला कि चलो क्लास 2 महीने में 3 महीने भी चली जाती है, तो कोई आपसे मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन मेरा एक ही कंसेप्ट है कि जो चीज मैं आपको पढ़ाऊं आप उसको तसल्ली से सीखे और उसको अब्जॉर्ब करें, राइट सर। ठीक है सर। या तो आपको माइक्रो, अब इसके बाद बात करते हैं, एक काम और करना है कि लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रिकॉर्डिंग माइक्रो। तो अब बच्चे पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का क्या यूज है। देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो का काम होता है, जैसे मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया, रिकॉर्डिंग माइक्रो का काम होता है कि आप जो माउस के इमेज करो, जैसे मैं नेम लिखा रॉल लिखा, अब कुछ बच्चों को एक दिक्कत होती है, मतलब कि एक सोच होती है कि जो रिकॉर्ड करते हैं वो माइक्रोज कहलाता है और जो वीवीए की जगह कोड करते हैं उसको हम वीवीए कहते हैं। पहले इस चीज को आप समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग के जरिए जो आप माइक्रो बनाते हैं वो भी माइक्रो होता है, और वीवीए के जरिए हमने जो माइक्रो बनाया है ये भी माइक्रो ही है, समझे। करेक्ट। एक फीचर है जो कि आपके एक्स माउस एक्शन को वीवीए में कोड कर देता है। अब यहाँ पे बच्चे दो तरह एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि सर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम उतना नहीं लिखते, जैसे कि यहाँ पे आप लिख दिया रेंज डॉट वैल्यू कर दिया आपने, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कहाँ किया है, बट इसमें तो देखिए पहले वो सिलेक्ट किया है फिर कॉपी किया। तो बेसिकली ये वीवीए की ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। अब मान लीजिए आपको बॉस से छुट्टी मांगनी है, दो मोड में मांगते हैं, पहला कि आप बॉस को बोल देते हैं कि बस कल मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, तो आप जा कैसे बोलते हैं, श्रीमान महोदय मैनेजर कंपनी रिक्शा करेक्ट बोलते हैं, आप सीधे बोलते करेक्ट। कैजुअली कि सर कल नहीं आऊंगा फर्जी प्रॉब्लम क्या। लेकिन इसी सही चीज बात। को आपको बाय मेल या बाय लेटर मांग लिखना हो तो लेटर में तो लिख देंगे कल बॉस मैं कल नहीं आ रहा, हाँ वो तो प्रॉपर तरीके से लिखा जाएगा। वही चीज है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेगा तो हर एक पैटर्न को फॉलो करेगा, करेक्ट। और उसी तरह लेकिन जब हम कोड करेंगे तो हम वही चीज लिखेंगे जो जरूरत है, समझ यस गया ना। जी। अब तीसरा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर जब रिकॉर्डिंग माइक्रो खुद ब खुद माइक्रो बना देता है और प्रोग्रामिंग कर देता है तो हम प्रोग्रामिंग सीखे क्यों। तो हम प्रोग्रामिंग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग माइक्रो बहुत सारे काम नहीं करते, जैसे डायनेमिक हो गया और बहुत सारी चीजें होती है उसमें काम नहीं होता है, रिपीटेशंस हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, तो बहुत सारी चीजों पे काम नहीं करते। मैं तो बोला हूँ कि 5-10% ही वीवीए माइक्रो के जरिए आप काम रिकॉर्डिंग माइक्रो के जरिए काम कर सकते। अब तीसरा क्वेश्चन आता था कि इसका यूज क्या है, इसका यूज 10% है लेकिन लर्निंग पीरियड में ये आपके लिए बड़ा काम का चीज है। जैसे मान लीजिए आप माइक्रो बना रहे हो, अब आपको कॉपी पेस्ट करने नहीं आता है, तो आपने क्या किया, आपने रिकॉर्डिंग माइक्रो को ऑन किया, सिलेक्ट किया, कॉपी किया, सिलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया, स्टॉप करें, उसके इसकी कोडिंग जाके देखिए इसकी कोडिंग कोडिंग हम चेक कर सकते हैं। पेस्ट। आपको पता चल गया कि कॉपी करने के लिए कॉपी और पेस्ट करने के लिए पेस्ट होता है, कॉपी पार्ट है रेंज का और पेस्ट पार्ट है सी। जी। या तो यार तो आपको क्लास के साथ साथ ये भी करना पड़ेगा कि एक बड़ी सी डायरी खरीदनी होगी और फाइल मेनू बार से लेके
यहाँ पे व्यू तक जितने भी ऑप्शंस है सबको अप्लाई करना है, और उसका राहुल जी 5 रुपए क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ सर, बस एक खत्म ही होने वाला है, और इसका एक रिकॉर्डिंग क्या, इसका एक डायरी क्या, ठीक है? ओके okay, मतलब उसमें मैं हर एक फंक्शन का मतलब कोडिंग क्या होता है वो नोट कर लूं। हाँ, जो समझ में आया ठीक है, जो समझ नहीं आया उसके लिए हमें क्लास में पूछेंगे, सर इसका कोड हमने रिकॉर्ड किया था, हमें समझ में नहीं आया, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके क्योंकि इसमें जो है आपका 80% खुद समझ जाओगे, 20% मुझे समझाना होगा। ओके इतना कीजिए, फिर कल हम सेम टाइम मिलेंगे 7:30, और हम कल आगे इससे आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? या ओके ओके बाय ओके सर, बाय बाय या।